काफी समय से बाजार में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घूम रही थी कि एसएस राजामौली के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको आशीर्वाद तो मिलता ही है, मगर साथ ही साथ आप एक अभिशाप भी लेकर जाते हैं, जिसके अंतर्गत जिस किसी एक्टर ने उनके साथ काम किया है उनकी नेक्स्ट मूवी भाई डेस्टिन्ड है फेल होने के लिए। अब देखो, राजामौली के कर्ज की बात ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर अभी हाल फिलहाल में प्रभास, रामचरण और अब जाके जूनियर एनटीआर की देवारा पार्ट वन फिल्म देखने के बाद अब मुझे थोड़ा बहुत तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे भरोसा होने लगा है कि कुछ मनहूसियत तो है। इट्स लाइक पेइंग अ ग्रेट प्राइस फॉर योर ग्रेटनेस, क्योंकि देवारा पार्ट वन जिस सीरियसनेस के साथ इंडियन सिनेमा के लिए वो नेक्स्ट बिग थिंग प्रॉमिस करती है, अगर यही चीज वो आज से 10 साल पहले इसे प्रेजेंट करते इस तरीके से तो बहुत हद तक पैलेटेबल हो सकती थी। एंड मेरे मायनों में ये मूवी बिलो एवरेज, बिलो मीडियोकर टाइप है, जिसे मैं पूरी तरीके से बुरी भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो जो सदर्न सिनेमा के जो शॉक वैल्यूज, क्लीशेज और क्रिंज आप एंजॉय करते हो वो है इसमें, लाइक जो वियर्ड एज एक्शन है, लार्जर देन लाइफ बिल्डअप है, एंड अपना हीरो का हीरोइन को जिस तरीके से हैंडल करना, जिस तरीके से प्रेजेंट करना है ऑब्जेक्टिफाई करके बड़े लेवल पे, वो है इसमें। जानवी कपूर को तो लेकर हमारे साथ स्कैम बहुत बड़ा वाला हुआ है, एंड बाय द वे आई लाइक हर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। जहां उसका एक बात बोलूं, उसका इंट्रोडक्शन ही शुरू होता है नहाने से, जहां वो खूबसूरत नहीं बल्कि सेक्सी लग रही हैं, एंड वो इंटेंट नजर आता है, वहां पे डायरेक्टर ने सही काम किया है। खैर, इंटरेस्ट की बात होती है। बहरहाल, फिल्म की कहानी स्पॉइलर अलर्ट के साथ बात करें तो फिल्म बड़ी वियर्ड पेसिंग के साथ अपने सस्पेक्ट के एक इंटरोगेशन को लेकर शुरू होती है, जो उन्हें रत्नागिरी की माउंटेन्स की तरफ डायरेक्ट करता है, जहां वो एक स्मगलर की तलाश में रहते हैं जो कि भैरवा यानी कि सैफ अली खान के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो सिंगप्पा यानी प्रकाश राज के कैरेक्टर के पास जाते हैं, जो उन्हें 1980s की कहानी बताता है। एंड कहानी कई टाइमलाइंस में चल रही है, पास्ट, फिर उसका पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर एक और प्रेजेंट हमें जो जानना बाकी है। खैर, जो अपनी 1980s की कहानी वो बता रहे होते हैं कि कैसे गांव में वॉरियर्स की पूरी एक रेस हुआ करती थी, इंडिपेंडेंस से पहले वो सबको डिफेंड करते थे, अपने देश को भाई प्रोटेक्ट करते थे, पर अब जब इंडिपेंडेंस हो चुकी है तो वो वही वॉरियर्स, वही स्किल रखते हुए, वही एग्रेशन रखते हुए स्मगलर बन चुके हैं। आज़ादी के बाद उनकी बहुत इज्जत नहीं है, जिसमें अपने जूनियर एनटीआर यानी कि देवारा को एक चीफटेन के तौर पर दिखाया गया है, काफ़ी बड़ा है, जिसकी सब बात सुनते हैं, एंड एक बड़े हर्ट ऑफ चेंज के बाद वो अपने सारे इलीगल स्मगलिंग वाले काम बंद कर देता है, जिससे बाकी गांव वाले के चीफ्स गुस्सा हो जाते हैं, और अपने ही लोगों से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट देखने के बाद वो घोस्ट ऑफ चुशीमा यानी कि घोस्ट ऑफ रत्नागिरी की तरफ बन के गायब हो जाता है कि मेरा डर बना रहना चाहिए कि अब यहां कोई आ गया तो समुद्र में इलीगल काम करने के लिए तो मैं गांठ तोड़ दूंगा उसकी, कि मतलब मछली उछली पकड़ के तुम सब काम उम करो लेकिन आना मत इधर, क्योंकि अगर आ गए तो भाई मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड पीठ पे वो एक सलमान खान की पिक्चर नहीं थी, ऐसे करके निशान बना दे के फिर वो मार देता था, यहाँ पे एनटीआर बस निशान बना देते थे कि भाई तुम्हें इसकी सजा मिली है, नेक्स्ट टाइम आओगे तब तो काम ही खत्म हो जाएगा। एंड फिर जब वो गायब हुआ तो भाई सालों साल बीत गए, उसका बेटा बड़ा हो जाता है, सेकंड हाफ में हमें हीरोइन देखने को मिलती है जहां पे जानवी कपूर का सिर्फ 10 मिनट के अराउंड में ही रोल है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर आता है कहानी में, दो बहुत बड़े स्पॉइलर आते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूं, साफ दिमाग रखो, जिन्हें मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तुम वो कहानी देखना तो तुम्हें वो रिवील सही था, आप थोड़ा सा इंग्रोस्ड रहते हो कहानी में, पर इस पूरी बाहुबली फ्रॉम मीशो की पेसिंग इस लय में चलती है कि काफ़ी रिलेंटलेस फील होती है, एंड वो भी नॉट इन अ गुड वे। एक तरफ पेस ऐसा चल रहा है कि भाई हीरो अपना बैड एस काम कर रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता, गायन उन्हीं बज रहे हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, एंड कट टू नेक्स्ट शॉट में ही बंदा इमोशनल है, रो रहा है, पर भाई उसका बिल्डअप उन्हें नहीं दिखाना है, कोई इज्जत नहीं है उस इमोशनल ट्रेजेक्ट्री की कि हाँ हीरो है वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो उस मोमेंट को आपको फील कराने के लिए, उसे बिल्ड करने के लिए उन्होंने उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि भाई इससे भी आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है कहानी का, हमें वो बताना है, हमें एक्सपोजिशन फेंकना है, जिसका यही कहना है कि स्टोरी इज गुड एनफ, एंड बाहुबली से हैवी इंस्पिरेशन नजर भी आते हैं, पर अगर वो पेसिंग ही इतनी भांग भोसड़ा मचा के आगे बढ़ते ही चले जाते हैं तो आप एज अ व्यूअर उसकी इज्जत नहीं कर पाते, जिसके नेक्स्ट में ही मैं ये बोलूंगा कि आई लाइक द मूवी बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, क्योंकि बिलो एवरेज, बिलो मीडियोकर तो है ही, लेकिन जहां मैं इसे इंजॉय करता हूं वो बिल्कुल भी अच्छा एंजॉयमेंट ट्रेडिशनल वे में लोग उसे नहीं मानते। वो जो एक्शन सीन्स स्क्रीन पे आते हैं, वो एक सॉर्ड फेंक कर बोर्ड से लड़कर दूसरे हाथ में आना, एंड फिर आइंस्टाइन की भाई वो तो उसे हार्ट अटैक ही आ गया होगा, एंड इतना खतरनाक वायर वर्क इसमें दिखाया गया है, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, कि एक एक जंप में उन्होंने स्लोमो शॉट को यूज़ किया हुआ है कि भाई कंटेनर पे क्या कूद गए हैं भाई अपने, एंड एक जलपरे की तरह जो पानी में से निकलते हैं वो थोड़ा सा फनी हो जाता है, वो बिल्कुल भी कूल मुझे तो नहीं लगा,
फनी था। बेचारा बीच में अपना शार्क भी फंस जाता है बैल की तरह कि यार कहाँ पे मुंह में रस्सी डाल दी मेरी। एंड ये क्लीशेज सदर्न सिनेमा में ओवर द टॉप चीजीनेस काफी हमेशा से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, जिसकी आज के टाइम में उतनी रेलेवेंस के साथ इज्जत नहीं है। अब वो आवेशम की तरह अगर आप दिखा रहे हो, वो कंसिस्टेंसी उस तरीके की है, तो वहाँ अंडरस्टैंडेबल होता है। बट इस मूवी में जो वो सीरियसनेस प्रॉमिस कर रहे थे, जिस एस्थेटिक सिनेमाटोग्राफी के साथ, आप इज्जत नहीं कर पाते हो। आप इंजॉय करते हो, लेकिन हाँ, ये बोल इसको देख के बोलते हो कि अरे ये साउथ की पिक्चर है। एंड इसी के एडिशन में जो चीज़ मैंने गलत तरीके से इंजॉय की वो थी जानवी कपूर। आई मीन बहुत इंजॉय किया मैंने, मैं सैड भी हो गया था जब उनका गाना चला गया, क्योंकि मैं खो गया था। आप 20 फीट की देखते हो जानवी कपूर स्क्रीन पे, उनके एब्स दिख रहे हैं, नेवल शॉर्ट्स वाले वो सारे ट्रोप्स उन्होंने इसमें यूज किए हुए हैं, कॉमेडिक रिलीफ के लिए हैं। ऑब्जेक्टिफाइड तो भयंकर हुई है। जहाँ उनका कहानी में काम क्या था, सबसे बड़ा पर्पज उनका ये है कि बिच आई एम हॉर्नी एंड आई वॉन्ट सम डी। यही उनका पूरा पर्पज है कि भाई मुझे कोई मर्दाना मर्द चाहिए जिसको मैं पति बना सकूं। एंड ठीक है, पर भी आई एंजॉयड इट। यस, जहाँ अब अगर मुझे कोई चीज़ थोड़ी सी पसंद आ जाती है तो वह है सैफ अली खान की फुल कन्विक्शन वाली परफॉर्मेंस। बंदा चिल्लाता है ना तो उसकी गर्दन की नसें देखने को मिलती हैं। एंड वहीं ऐसा जूनियर एनटीआर ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कोई ख़राब एक्टर हैं, बट इनमें उनका फुल कन्विक्शन नज़र नहीं आता। थोड़ा सा लगता है कि वो एफर्ट कम डाल रहे हैं। जब वो ऐसे भाले पे से बंदे को उठाते भी ना, तो बस ऐसे नॉर्मली उठा लिया, ऐसे कोई बहुत एफर्ट फील नहीं होता। वायर वर्क बहुत गंदा यूज़ हुआ है इसमें। एंड उसी के हिसाब से क्या, नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है। अगर आपने भी हीरो को ऐवें ही करते दिखा दिया तो मैं भी बस इसे ऐवें ही देख लूँगा, कुछ बहुत भारी नहीं। मूवी में एक चीज़ तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी हुई है ब्यूटीफुल शॉट्स को लेकर, उसके बिल्डअप्स को लेकर। 5-10 सेकेंड भी दिखाया है स्क्रीन पर कि हाँ भाई इस शॉट के आर्ट पे हमने काफ़ी मेहनत की है। कि जैसे एक शॉट आता है कि आग में जलते हुए असैसिन क्रीड की तरह हुडी उडी डाल के बंदा खड़ा हुआ है। एंड ओवरऑल जो डार्क टोन देने की कोशिश की है वो देख के काफ़ी कूल लगता है। जो कि मूवी में सिनेमाटोग्राफी को लेकर यही वाली बात आती है कि तू खूबसूरत बहुत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर मी। मैं इस बिलो एवरेज मीडियोक्रिटी से इंटरटेन तो हुआ, मगर मैं इसकी बहुत इज्जत नहीं कर पाता। जो लोग हीरो वर्शिप करते होंगे, अपने हीरो को सर पर चढ़ा के रखते होंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा कि जब वो नाव पे ऐसे कूदते ना तो इसी पोज उज मार के भाई आग में से निकल रहे हैं, ऐसे कपड़ा डाल रहे हैं अपने ऊपर, फिर वो वॉक देखने को मिलती है। आप अगर फैन हो, हीरो वर्शिप करते हो, तो आप इंजॉय करोगे, आपके लिए तो भाई गोल्ड माइन खुल गई। मगर वो 3-3 इंट्रोस को देखकर हीरोइंस के साथ जो रोमांस चल रहा होता है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, एकदम बकायदी बकचोदी में वो शुरू हो जाता है अपने आप। लेकिन अगर आप उस चीज को, अगर आप 10 साल 15 साल पुराने क्लीशेस को एंजॉय करते हो तो मे बी आपके लिए हो। मगर आई थिंक बेसिक लेवल पे कमियां है, राइटिंग एडिटिंग पे कमियां है, नीयत में कमियां है, जिस नीयत की प्रायोरिटी के साथ इसे बनाना शुरू किया गया था। यहां तक कि आप ध्यान दोगे, मैंने ट्रेलर रिएक्शन में इसके CGI VFX के बारे में बात की हुई है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो बहुत ही बड़ा पॉइंट था। एंड अभी इस रिव्यू में मैंने CGI VFX की बात इसलिए क्यों नहीं बोली, क्योंकि वो लेट डाउन्स अपने मेन नैरेटिव के लेट डाउन से बहुत छोटे नज़र आते हैं। अपनी बेसिक कमियाँ ठीक होती तो भाई कोई बात ही नहीं। दूर से तुम्हें फील हो जाता है कि VFX चीपली कंपोजिटेड है, मगर जो बेसिक राइटिंग एंड कन्विक्शन की कमियाँ जब एग्जिस्ट करती हैं तब आप ओवरऑल इज्जत नहीं कर पाते। जब आपने मेहनत नहीं की तो मैं क्यों करूं। खैर तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने देख लिया मूवी तो तुम्हें कैसे लगा। नहीं देखी है तो कहते हैं ना कि अरे ये साउथ की पिक्चर है, तो उस तरीके का है, जाके देख सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा बहुत बुरा लगा, बट इतना अच्छा भी नहीं था कि हाँ भाई कुछ बनाया। एंड आई थिंक राजामौली वाला कर्स शायद सही है। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना कि शायद सही है वो, क्या लगता है। एंड या मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर चीज़ फैली होंगी, तो माइंड मत करना, बैक टू बेसिक्स हम दोबारा से आ जाएंगे। एंड तब तक के लिए देखते रहिए PG Explained।